नमस्कार किसान साथियों, मैं राम खिलाड़ी मीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हुआ हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहां पे एक किसान साथी का पोली हाउस आप देख सकते हैं और उसके अंदर इन्होंने खीरे की खेती कर रखी है। अभी के टाइम पे शानदार खीरे की खेती कर रखी है, आप देख सकते हैं। और उनका प्रोडक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने हार्वेस्टिंग करके रखा हुआ है। और आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि किसान साथी करीब 2010 से लगातार खीरे की खेती करते आ रहे हैं पोली हाउस में। और लगभग एक एकड़ का ये पोली हाउस है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो खीरे के पौधों की ग्रोथ है वो भी काफी शानदार देखने को मिलेगी आपको। और इनकी हाइट आप देख सकते हैं, हर कोई किसान साथी के पोली हाउस में आपको इतनी हाइट नहीं मिलेगी। तो इनका जो पोली हाउस में खेती करने का तरीका है वो काफी अच्छा है। और खीरे की खेती की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, एक एक चीज पर हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में खीरे की खेती की मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान साथियों के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लगातार इस चैनल पर हम उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो आइए किसान साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो किस किसान भाई देख रहे हैं सामने से, उनको अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है दिलराज। अच्छा। मेरा गाँव रतनपुरा है जी, तहसील बस्सी जिला जयपुर जी। सर तो सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, आपका जो पोली हाउस है ये कितने क्षेत्र में बना हुआ है? ये 4000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। अच्छा, मतलब एक एकड़ का पोली हाउस? एक एकड़। हाँ सर। अच्छा, हमने 2010 में लगाया था इस पोली हाउस को। 2010 में लगाया था, और उसके बाद में आप लगातार इसमें कौन कौन सी फसलें करते आ रहे हो सर? हम सर पहले तो खीरा किया था हमने, और फिर कैप्सिकम, लाल पीली मिर्च, शिमला मिर्च जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो भी करके देखिए आपने। हाँ जी सर। और इस बार आपने खीरे की खेती कर रखी? हाँ है सर। तो सर जी, इस वीडियो में हम किसान भाइयों को खीरे की खेती के बारे में पूरी नॉलेज देना चाहेंगे। आपका जो अनुभव है 13 साल का, वो पूरा अनुभव किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि कोई किसान भाई अगर खीरे की खेती करना चाहे तो आसानी से कर सके और वो भी अच्छा प्रॉफिट इससे ले सके। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, अभी के टाइम पे वेरायटी कौन सी लगा रखी है आपने? सर वेरायटी कोको 3D आई है सर, अभी आई है। अच्छा, लगाई है? नहीं आई है, पहली बार लगाया हमने। ये पहली बार लगाई है? नहीं, रिजवान लगाते हैं सर। अच्छा, रिजवान लगा के देखिया, तो इसका रिजल्ट क्या कुछ मिला है सर आपको? सर रिजल्ट बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, तो सर जी ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगा, जैसे कि हम काफी पोली हाउस में विजिट कर चुके हैं, काफी सारे किसान भाइयों के पास लगातार जाते रहते हैं, तो इनकी जो हाइट है उनका राज क्या है? मतलब इतनी हाइट हर कोई किसान साथी क्यों नहीं कर पाता है, इसका कारण क्या है? सर तो जमीन के ऊपर है, जमीन में खाद वाद सब कुछ तरीके से रहे तो। अच्छा, अगर आप पूरी तरीके से अगर मेहनत करते हो, अच्छी तरह से खाद डालते हो, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है? ऑटोमेटिक हो जाती है। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे मान लो किसान साथी वीडियो को देख करके खीरे की खेती करना चाहे, आसानी से हो सके और लगातार वो भी मतलब आपकी तरह अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सके, तो अपने पोली हाउस की सबसे पहले सर तैयारी किस तरह से करते हो आप? सर पोली हाउस की तो सर जुताई करते हैं। अच्छा। जुताई है, पलाव है। अच्छा। पलावा होता है वो रोटावेटर। रोटावेटर सर जितनी मिट्टी बिल्कुल जितनी वो करेंगे, जोत निकालेंगे, जितना ही फायदा है सर। मतलब जितनी बुरबुरी कर देंगे उतना ही फायदा मिलता है सर? करीबन इसके अंदर 30 से 40 ट्रॉली खाद की डालते हैं, गोबर खाद की। अच्छा, और जैसे मान लो सर आपने जोत भी निकाल दी, गोबर की खाद भी डाल दी, उसके बाद में फिर जुताई करते हो? हाँ सर, जितने एक दिन छोड़ के एक दिन जुताई करते हैं डेली। अच्छा, और फिर बाद में रोटोवेटर निकालते हैं सर, फिर लास्ट में रोटोवेटर निकाल के फिर सर बेड बनाते हैं। फिर बेड बनाते हो? हाँ सर। तो सर ये बेड बनाने का क्या प्रोसेस रहता है, और जो डिस्टेंस रखते हो बेड में वो कितना रखते हो सर आप? सर एक मीटर का लग, मैं एक मीटर का एरिया छोड़ते हैं सर बीच में। मतलब बेड से डिस्टेंस एक मीटर का? एक मीटर का रखते हो आप। अच्छा, और सर जैसे मान लो अपन ने खेत को तैयार कर दिया और एक एकड़ के पोली हाउस में लगभग आपने 40 ट्रॉली गोबर की खाद डाल दी। हाँ सर। अच्छा, तो इसके अलावा ये रासायनिक खाद भी डालते हो कुछ आप? हाँ सर डालते हैं, डीएपी, यूरिया। हुआ अच्छा, तो एक एकड़ के हिसाब से कितना डीएपी डालते हो, यूरिया कितना यूज में लेते सर? 50 किलो डीएपी डालते हैं और 20 किलो यूरिया। 20 किलो यूरिया बस, ये रासायनिक तो मतलब इतना ही डालते हो आप। अच्छा, तो सर अब मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपके पास काफी सारा अनुभव है, कम से कम 13 साल का अनुभव आपके पास मौजूद है, तो खीरे की खेती अगर किसान भाई करना चाहे तो सबसे बेस्ट महीना खीरे की खेती के लिए कौन सा रहता है आपके हिसाब से? एक तो सितंबर में है। अच्छा, सितंबर में, और एक लगाते हैं फरवरी में। एक फरवरी में जो नेट हाउस होता है उसके अंदर लगाते हैं, मई में, उसमें मई में। तो सर जी जैसे मान लो आपने बेड बना दिया, बेड के बीच में आपने एक मीटर का डिस्टेंस भी रख दिया, तो आगे का प्रोसेस क्या कुछ रहता है आपका? सर इसके अंदर मल्चिंग लगाते हैं, सर्दी के अंदर लगाते हैं सर। अच्छा, गर्मी में नहीं लगाते? गर्मी में मल्चिंग की जरूरत नहीं? नहीं। अच्छा, तो सर ड्रिप बिछाने का और बीज रोपण का क्या कुछ प्रोसेस रहता है आपका? सर बीज लगाते हैं सर
48 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पे। अच्छा, एक एक चिन करके उसके अंदर फिर लगाते हैं। अच्छा, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हो बीज के बीच का, और दोनों लाइन कतार से लगाते हो आप? हाँ सर। अच्छा, तो सर पहले बीज रोपण करते हो या फिर ड्रिप बिछाते हो आप? सर पहले ड्रिप बिछाते हैं फिर बीज हो करते हैं। अच्छा, तो पहले सर जैसे बीज रोपण करने से पहले पानी चलाना पड़ता है या बीज रोपण सूखे में करते हैं? नहीं सर, बीज रोपण करते हैं सूखे में। हाँ, सूखे में। अच्छा, जैसे मान लो सर जी आपने बीज रोपण कर दिया तो पानी कितने टाइम के बाद चलाते हो? इसके बेड ऊपर से गीली हो जाए पूरी। अच्छा, जैसे बीज रोपण अपना हो चुका हो और उसके बाद में ये पानी चला देते हैं, उसके बाद पूरा बेड गीला हो जाता है, उसमें क्या है बीज जो अंकुरित होता है वो आसानी से हो जाता है। तो सर बीज अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है? सर 4 से 5 दिन में निकल जाता है। 4 से 5 दिन में। अच्छा, तो सर जी जैसे आपके यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है तो फिर किस तरह से कर पा रहे हो आप खीरे की खेती? सर बारिश से पानी से। बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं सर। अच्छा, तो बारिश के पानी से पैदावार अच्छी होती है सर? हाँ सर। अच्छा, कोई रोग वगैरह? सर रोग तो आता है, इसे तो माताबंदी आती है, जैसे थ्रिप्स आती है, फंगस आती है नीचे जड़ों में। अच्छा, किसान साथियों रोग की बात भी करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन पहले जो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसकी पर पूरी डिटेल ले लेते हैं। तो सर जैसे 4 से 5 दिन में अपना पौधा अंकुरित हो गया, उसके बाद में पानी कितने डिस्टेंस में देना पड़ता है? सर पानी देते हैं सर हम, इस ऊपर से सूखा हो जाता है ना, ऊपर सूखी हो जाती है बेड, उसके बाद में हम करीबन 15 दिन में। 15 दिन बाद में? हाँ सर। अच्छा, सूखने के बाद में। सूखने के बाद में। सर्दी में तो 15 दिन और गर्मियों में सर इसके अंदर देते हैं 7 से 8 दिन में। 7 से 8 दिन में। सर तो मतलब गर्मियों में पानी की रिक्वायर्ड थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ सर। अच्छा, तो सर जी जैसे मान लो अपन ने 15 दिन बाद में पानी में दे दिया तो जो प्रोडक्शन मिलने लगता है अपने को खीरे की खेती से, वो कितने दिन बाद में मिलने लग जाता है? प्रोडक्शन 30 दिन के बाद में। 30 दिन के बाद में, पौधरोपण से 30 दिन बाद में? 30 से 35 दिन में। अच्छा, तो सर जैसे 30-35 दिन बाद में प्रोडक्शन अपने को मिलने लग गया, वो कितने दिन तक चलता है आगे? सर ये पूरी फसल तो 3.5 महीने की रहती है। अच्छा, और सर सर्दी की रहती है करीबन 5 महीने, मतलब सर्दी की थोड़ी ज्यादा लंबी रहती सर। अच्छा, और धूप नहीं मिल पाती ना इसके अंदर। अच्छा, सर्दी के अंदर इसलिए, और गर्मी की थोड़ी कम दिन चलती है। हाँ सर। तो सर जी जैसे मान लो अपन ने प्रोडक्शन भी चालू हो गया तो जो इसमें बीमारी लगने का कारण है, जैसे रोग लगते हैं, वो मुख्यतः कौन कौन से रोग लगने की संभावना रहती है? सर रोग तो सर व्हाइट फ्लाई, एक माथाबंदी। अच्छा, और सर फंगस आती है नीचे और जड़गांठ भी आती। हाँ सर। है। तो सर जी जैसे मान लो आपने प्रोडक्शन भी बता दिया तो करीब करीब आपका ये मतलब ये 1 एकड़ का पोली हाउस। हाँ है सर। तो 1 एकड़ के पोली हाउस से आप प्रोडक्शन पर ईयर कितना ले लेते हो खीरे खेती में? सर 1 ईयर में सर 2 फसल होती है। हाँ, 2 फसल। एक फसल में हम 40 से 42 टन ले लेते। 40 से 42 टन आप प्रोडक्शन ले लेते हो एक एकड़ के पोली हाउस से। अच्छा, और सर मार्केट रेट जैसे मान लो आपका ये पोली हाउस जयपुर में स्थित है तो मार्केट रेट क्या कुछ मिल जाती है आपको सर यहाँ पे? सर यहाँ सर सर्दी में तो कम मिल पाती है। अच्छा, और गर्मियों में 25 से 30 के लगभग मिल जाती है। 25 से 30 के लगभग मिल जाती है। और सर्दियों में क्या कुछ मिल पाई इस बार आपको सर? सर हमें सर 15 से 25 तक मिल पाई है। 15 से 25 30 तक। अच्छा, तो सर जी अब वीडियो के लास्ट में किसान भाइयों को ये जरूर जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपका 1 एकड़ का पोली हाउस है, इसमें आपने 2 फसल लगाई तो दोनों फसल से खर्चा, कुल खर्चा तो कितना हो जाएगा आपको, और जो शुद्ध मुनाफा है वो कितना बचा लेते हो आप? इसके अंदर हमारा सर 4 लाख रुपए का खर्चा होता है। अच्छा, और इससे हमें 15 लाख रुपए बचा लेते हैं। 15 लाख रुपए शुद्ध बचा लेते हो सर? अच्छा, तो करीब करीब आप बता रहे हो सर जैसे 4 से 5 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाता है और 15 लाख रुपए बचा लेते हो, तो 1 एकड़ के पोली हाउस से खीरे की फसल करीब करीब 20 लाख रुपए की हो जाती है। हाँ सर। अच्छा, 19 से 20 लाख रुपए। 19 से 20 लाख रुपए की। तो सर जी अब नए किसान साथी मान लो जो पोली हाउस लगाने की सोच रहे हैं और खीरे की खेती करना चाहते हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहते हो? सजेस्ट ऐसे करना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, जैसे बाहर की खेती में कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे नौकरी भी करते हो उसमें भी कुछ ऐसे लगता है पैसा नहीं आ रहा, खेती में लगता है कि पैसा आ रहा है इसके अंदर। जैसे लोग सोचते हैं जैसे नौकरी करेंगे वैसे गवर्नमेंट जॉब करेंगे, उसमें जैसे सोचते हैं जो मजा नहीं आता उसके अंदर पैसों का, जैसे खर्च भी होती है, फिर घर खर्च में भी इसके अंदर बढ़िया है, फायदा है। अच्छा, तो मतलब गवर्नमेंट नौकरी में भी आपको उतना मजा नहीं आता जितना खेती करके ले सकते हो आप। हाँ, तो किसान साथी का कहना बिल्कुल जायज है कि 20 लाख रुपए जैसे एक साल में ये कमाते हैं, इससे 4 लाख रुपए जैसे खर्च हो जाते हैं, तो 15 से 16 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा आसानी से बचा लेते हैं। तो सिर्फ 1 एकड़ जो 4,000 स्क्वायर मीटर है इससे बचा लेते हैं इतना। तो आप अगर खेती करना चाहते हो, आधुनिक खेती करना चाहते हो,
तो बहुत अच्छी बात है, इसमें काफी ज्यादा मुनाफा है और किसान साथी ने आपको सजेस्ट भी किया, काफी अच्छी जानकारी भी दी। तो सर जी अब काफी लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास, लगातार कमेंट आते हैं कि सर जी हमें जानकारी दो कि वास्तव में कितना प्रॉफिट है इस खेती में, हम जानना चाहते हैं। तो आपका जो अनुभव रहा अब तक का, शुरू से लेकर अब तक का, शुरू में आपके मन में क्या झिझक थी, यार पोली हाउस लगाएंगे इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या कुछ है कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में भी, तो आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे और आज क्या महसूस कर रहे हैं वो बताएं किसान भाइयों। पहले तो हम जैसे ड्रिप की, बाहर की ड्रिप से लगाने शुरू करी थी हमने, जैसे टमाटर की, मिर्ची की, फिर धीरे धीरे हमने पॉली हाउस लगा लिया। पॉली हाउस लगाने के बाद में हमें धीरे धीरे इसके अंदर पहली फसल की हमने, इसके अंदर करीबन 10 से 12 लाख रुपए पहले शुरू में जितनी हुई थी, ऐसे कुछ भी करके हमने 10 12 लाख की फसल कर ली थी। फिर धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ती गई जैसे पैदावार, जैसे धीरे धीरे बढ़ाते गए हम। अच्छा, तो सर जी आज की वीडियो में आपने किसान भाइयों को काफी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर। तो किसान भाइयों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर कोई किसान साथी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लगातार हम इस चैनल पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।